कैसे हैं आप लोग और वेलकम टू ए नया शो, नया एपिसोड ऑफ साह विद बोरा। साह विद बोरा में आपका स्वागत है। और गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, साह विद बोरा के लिए मैंने एक स्पेशली गाना भी बनाया है। गाना का पहला पार्ट थोड़ा सुना देते हैं, उसके बाद आपको सुनाएंगे बाकी के जो है पार्ट्स। पहले थोड़ा पार्ट सुना देते हैं आपको। स्नेक सरकार, साला ये स्नेक सरकार है यार। We get sap on the throat. पहले किया नोट बंदी, बोले 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे यार, नहीं चलेंगे यार। लेकिन क्या उससे घोटाला कम हुआ यार? तो गाइज हम जो ये गाना है बाद में लास्ट में सुनेंगे पूरा जो गाना है। बहुत सारे बातें लिखे हैं हमने और खास मेरा सिंगिंग में जीरो नॉलेज है, ना सुर ताल का कोई नॉलेज है, ना कुछ लाइक है, ना कि मेरा वॉइस भी अच्छा है। फिर भी गाइज मैं जो है वो बनाया है सॉन्ग, वो आपको बाद में सुनाऊंगा। और पहले यहाँ पे गाइज बताना चाहते हैं कि पबजी मोबाइल बैन हो चुका है गाइज। सूरत, राजकोट, वडोदरा और फॉलो करके अभी बैन हो चुका है भावनगर और गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में। सूरत, राजकोट और वडोदरा का तो मैंने सुना है, लेकिन भावनगर, गिर सोमनाथ आज पहली बार डिसाइड किया है कि बैन हो चुका है पबजी उन डिस्ट्रिक्ट्स में। और यहाँ पे जो है कमिश्नर ए के सिंह बोल रहे हैं कि इमीडिएट बैन हो चुका है, इमीडिएट बैन ऑन पबजी मोबाइल एंड मोमो चैलेंज वॉज बैन। मोमो चैलेंज मोमो खाने का बात कर रहे हैं या फिर उसका हम ध्यान नहीं देंगे अभी। द नोटिफिकेशन से द बैन वुड फोर्स फ्रॉम मार्च 14 टिल एंड ऑफ मार्च 28। तो आज रात से आप पबजी नहीं खेल सकते इन डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर लेकिन यहाँ से अगर कोई लॉग इन करके पबजी खेलेगा तो कैसे वो लोग टैकल करेंगे वो देखना ये होगा। और या फिर अगर आप कोई घर में खेल रहा है पबजी मोबाइल या फिर पबजी पीसी जो स्ट्रीम में अवेलेबल है 999 रुपीज के लिए, क्या उसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है? अगर बैन लगा दिया गया है तो क्यों? और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राजकोट पुलिस मनोज अग्रवाल बोल रहे द न्यू बैन हैज इम्प्लीमेंट फ्रॉम मार्च 9 टू अप्रैल 30 तक बोल रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे कि बैन हो गया है, लेकिन बोल रहे कि यहाँ पे बैन हो गया है पबजी टिल अप्रैल 30। मैं आपको को एक फोटो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो है बोल रहे कि PUBG पबजी गेम, पबजी गेम इज बैन, इंडिया गवर्नमेंट अरेस्टेड 10 बॉयज। गाइज ये जो है मेरे एक रिलेटिव ने ये भेजा है, और पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक मैट्रेस का है। और ये बिल्कुल भी लाइक ये मुझे आज व्हाट्सएप में आया, ये PUBG गेम इज बैन, पबजी गेम इज बैन, इंडियन गवर्नमेंट अरेस्ट 10 बॉयज। अभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि पबजी तो है नहीं, PUBG है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। जिनको स्पेलिंग लिखना नहीं आता वो कैसे डिसाइड करेंगे यार? और यहाँ पे बोले कि इंडियन गवर्नमेंट अरेस्ट 10 बॉयज, यहाँ पे बोल नहीं रहे कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं, राजकोट पुलिस अरेस्टेड। तो गाइज यही प्रॉब्लम है हम लोग के इंडिया में, जैसे ही लोग पबजी बोलते हैं यहाँ पे उनके नाम पता नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने बैन किया है पबजी, नहीं PUBG, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट अरेस्टेड 10 बॉयज, पता नहीं उन्होंने किया मतलब कहाँ पे पबजी खेला था, पबजी नहीं लेकिन बैन कर दिया है उन 10 बंदों को, अरेस्ट कर लिया गया है। आई थिंक वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो बोल रहे कि उनको IPC सेक्शन 188 के अंदर वायोलेटिंग इशू में उनको पुलिस ले गए हैं, अरेस्ट किए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो सेक्शन 188 है उन उसका हम दिखाएंगे कि यहाँ पे बोल रहे कि डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमल्गेमेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे कोई एक पब्लिक सर्वेंट जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रैफिक हो गया, या फिर जो भी पब्लिक सर्वेंट्स है सरकार के लिए काम करते हैं, वो अगर कोई ऑर्डर देते हैं और डिसओबे करता है तो उसके लिए
मतलब आपको पनिशमेंट मिल सकता है डिसोबीडियंस, अगर आप ओपे नहीं करेंगे, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि, और ये जो सेक्शन है 188 अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि इट इज सफिशियंट दैट ही नोज ऑफ द ऑर्डर व्हिच ही डिसोबेज एंड दैट हिज डिसोबीडियंस प्रोड्यूसेस और इज लाइकली टू प्रोड्यूस हार्म। तो यहाँ पे बोल रहे कि इतना काफी है कि वो जानता है कि वो लॉ डिसोबे कर रहा है, इतना काफी है कि जो खेल रहा है या फिर जो विक्टिम है वो जानता है कि वो डिसोबे कर रहा है एंड वो डिसोबे करने से उसका हार्म होने वाला है या फिर हार्म होगा। तो बेसिकली ये सेक्शन 188 इन द इंडियन पैनल कोड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई किसी को पता है कि वो लॉ डिसओबे कर रहा है और उसको पता है कि ये लॉ डिसओबे करने से उसको हार्म हो सकता है बाद में या फिर हो रहा है, तब लाइक ये एक्ट जो है लग जाता है आपके ऊपर। और यहाँ पे तो अभी यहाँ पे ये जो है मैंने लॉ बता दिया, अभी यहाँ पे जाएंगे देखते हैं। पबजी मोबाइल बैन इन सूरत एंड राजकोट फॉर हैविंग ए निगेटिव इम्पैक्ट ऑन माइंड। पहले तो मुझे ये बताओ कि किसके बेसिस पे इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ माइंड डिसाइड किया। सूरत और राजकोट ने जो पब्लिक सर्वेंट्स है उन्होंने बोला है कि बैन किया है पबजी क्योंकि निगेटिव इम्पैक्ट होता है माइंड में। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट का डिफरेंस क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ कि किस डिवाइस या किस यंत्र, किस यंत्र मतलब हाँ किस डिवाइस से मेजर किया, कहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, कहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, एक्स वाई जेड किसी का रिसेंटली सपोज ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। अभी ये जो है रिलेशनशिप का बात हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए रिलेशनशिप में दो जब लोग होते हैं, इफ़ टू पर्सन इन ए रिलेशनशिप यू कैन नॉट कंट्रोल द रिलेशनशिप ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में है तो आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते इनके माइंड या फिर इनके माइंड को रिलेशनशिप में रहने के लिए। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कभी भी ब्रेकअप हो सकता है। तो ब्रेकअप क्या निगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि नहीं? ब्रेकअप निगेटिव इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, अगर निगेटिव इम्पैक्ट हुआ ब्रेन में तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स को भी बैन कर देना चाहिए क्योंकि लोग उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं और एग्ज़ाम्स जो होते हैं 10 के एग्ज़ाम, 12 के एग्ज़ाम, जिनका एग्ज़ाम बुरा होता है, जिनका एग्ज़ाम ख़राब जाता है, उनका यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो एग्ज़ाम को भी बैन कर देना चाहिए। एग्ज़ाम कितना निगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, कितने सुइसाइड किए हैं इंडियन में, सॉरी इंडिया में कितने सुइसाइड होते हैं रोज़, आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कितने सुइसाइड्स होते हैं इंडिया में। इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसते हैं इतना मेहनत करके, इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना सुइसाइड्स होता है, कितना निगेटिव इम्पैक्ट आता है माइंड में। इंजीनियरिंग कॉलेज को क्यों बैन नहीं कर देते? एग्ज़ाम्स की वजह से कितना प्रेशर बिल होता है, यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्यों एग्ज़ाम्स को बैन नहीं करते? अगर पबजी मोबाइल यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है और इसके लिए बैन किया जा रहा है तो एग्ज़ाम्स को भी बैन कर देना चाहिए, रिलेशनशिप्स को भी बैन कर देना चाहिए, ब्रेकअप्स भी नहीं होंगे तब, बच्चे भी पैदा नहीं होंगे और खत्म, निगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही नहीं यहाँ पे। अभी मैं बोलता हूँ कि पबजी में निगेटिव इम्पैक्ट हुआ या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, या फिर डिपेंड करते हैं आप कैसे लेते हैं। मैं जैसे ही बोला आपका ब्रेकअप हुआ, अभी मान लीजिए आपका एग्ज़ाम ख़राब हुआ, आप आए रूम में, पबजी मोबाइल खोला, आपने पबजी मोबाइल देखा, आपके फ्रेंड्स वगैरह ऑनलाइन हैं या फिर आप रैंडम के साथ खेलने चले गए, आपने बात किया, दो तीन चार बॉट्स को मारे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद अच्छा वाला चिकन डिनर किया या फिर बातें करते करते थोड़ा कुछ फनी ग्लिच हो गया, आपने खेला, आप रिलैक्स हो गए, यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट कहाँ से पड़ा? लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप बुरा करेंगे तो आपको निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा ही,
आपको एग्जाम एकदम, आप सपोज एग्जाम में फेल हो जाता है, आके आप नहीं बोलते यार रे क्या मोमेंट है, क्या रिलैक्सिंग फील कर रहा हूँ, क्या आप ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन पबजी में अगर आप वो नेगेटिव इम्पैक्ट के बाद आके आप पबजी खेलते हैं, तो आप यहाँ पे दोस्त लोग के साथ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ घंटों खेलना, लेकिन आपने 1 घंटा खेला, 2-3 मैच खेले, उसके बाद दोस्त लोग से बात किया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ या फिर निगेटिव इम्पैक्ट हुआ? अगर निगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो क्या निगेटिव इम्पैक्ट हुआ? क्या पबजी खेलने से आपको ऐसा फीलिंग आ गया, अरे मुझे गन दो, मुझे AKM दो, मैं जा रहा हूँ अभी किसी को मारने के लिए, अरे मुझे दोस्त ने मैं मुझे मेरा टिफिन खा लिया, मुझे AKM दो, आज मैं AKM से मारूंगा। अरे वहां पे साला वो मेरे जो दोस्त लोग हैं वहां पे स्कूल में टेबल में बैठ के मेरे मजाक उड़ाते हैं, आज तो मैं ग्रेनेड खरीद के ले जाएगा और वहां पे ग्रेनेड फेंकेगा और सबको खत्म कर देगा। क्या ऐसा इम्पैक्ट आता है आपके कभी दिमाग में? नहीं आता है। ठीक है, तो कैसे हुआ निगेटिव इम्पैक्ट? अगर ऐसा होता तो मैं मान लेता कि ठीक है पबजी में निगेटिव इम्पैक्ट होता है, एग्जाम में भी तो निगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो सुइसाइड करते हैं डिप्रेशन में आके, प्रेशर में आके, रिजल्ट्स के, वहां पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है क्या? ठीक है, अभी ये हमने बात कर लिया पबजी मोबाइल और सो कॉल्ड द स्नेक गवर्नमेंट, जिसका हम बात करेंगे बाद में। और यहाँ पे पबजी ई स्पोर्ट्स, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ई स्पोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है, और पबजी ई स्पोर्ट्स का ही एक पार्ट है। और यहाँ पे जो है पबजी ग्लोबल ई स्पोर्ट, पबजी चैम्पियनशिप नॉर्थ अमेरिका, देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, कोरिया, चाइनीज, चाइना, जापान, ये देश पबजी को सपोर्ट कर रहे हैं। पबजी में हैकर्स बैन हुए थे कुछ जगह, जो है पबजी आई थिंक मोबाइल भी बैन हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो है पबजी, ये पीसी का मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोरिया, चाइना, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान में यहाँ पे बड़ा बड़ा प्रो लीग्स होते हैं, जिनमें प्लेयर जाते हैं, उनका एक कैरियर बन सकता है अगर अच्छे प्लेयर है तो। तो ये है बाहर की देशों का सीन। और यहाँ पे आपको मैं सोल मॉर्टल का जो पबजी मोबाइल सीरीज का वो मोमेंट है वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये रिसेंटली हुआ था पबजी मोबाइल का टूर्नामेंट, यहाँ पे देखिए गाइज कैसे सब लोग खुश लग रहे हैं। क्या आपको लग रहा है इनके दिमाग में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, या फिर उनके दिमाग में अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है और वो खुश लग रहे हैं, या क्या, या फिर आपको लग रहा है कि ये लोग बहुत दुखी है और बहुत निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है? ठीक है, या अभी हम डायनामो को दिखाएंगे। डायनामो जो 3 मिलियन सब्सक्राइबर के आसपास है, जो पबजी मोबाइल में काफ़ी आगे चले गए हैं, और उनके आसपास लाइक कोई भी नहीं दिख रहा है अभी। डायनामो गेमिंग जो पबजी मोबाइल खेल के इतने आगे चले गए हैं, और आज उनका एक दिखाऊंगा कि डायनामो को सैमसंग के इवेंट में बुलाया गया है, और बोला गया कि डायनामो सैमसंग के पार्टनर बनने वाले हैं। यूनिटी गेम गेम एंजिन एंजिन ओके डज व्हाट डज इट डू? ओके यस ऑफ कोर्स। सी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गेमर्स ऑल वी लुक फॉर इज अ सीमलेस गेमिंग एक्सपीरियंस ओके एंड गैलेक्सी एसेंस सिंपली आउट परफॉर्म्स देयर ऑलराइट। सो एंड लेट मी टेल यू वन व्हाट मेक्स इट द वर्ल्ड फर्स्ट। ठीक है, सैमसंग्स पार्टनरशिप विद यूनिटी फॉर द S10 मेक्स इट कैपेबल। जो भी है डायनेमो ने आज तक मोबाइल में गेम नहीं खेला है, पबजी मोबाइल, एस सैमसंग S10 दिया है। अगर सैमसंग S10 जो है किसी मोबाइल स्ट्रीमर या फिर हम लोग के जो प्लेयर्स है किसी और को गिव अवे करता तो अच्छा होता, लेकिन यही है गाइज, सक्सेस जब आता है गाइज छप्पर फाड़ के आता है, और तब आपको देखने का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको डायनामो जो 3 मिलियन के आसपास है, आज तक मोबाइल में एक बार भी स्ट्रीम नहीं किया है अपनी गेम, लेकिन यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 कैसे परफॉर्म करता है पबजी मोबाइल गेम को लेके। और गाइज मैं यहाँ पे ये बोलने वाला हूँ कि डायनामो मतलब अभी कौन सा लेवल में पहुँच गया है पबजी मोबाइल खेल के, जो भी है गाइज लोग हेट करे उनको सपोर्ट करे उसे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे मुकाम में पहुंच गए हैं कि यहाँ पे सैमसंग S10 को
जो है आज मतलब ये पार्टनर बन गए हैं, और अभी जो है गाइस जो गाना है वो गाना सुन मैं प्ले करूँगा, सब सुन सकते हैं वो गाना। और यहाँ पे जो है ये इसका मैं म्यूज़िक बंद कर दूँगा, और बाकी जो गाना का म्यूज़िक है मैं वो प्ले कर दूँगा। होप करते हैं कि आप सभी एंजॉय करें। स्नेक सरकार, साला ये स्नेक सरकार है यार। We get sap on the track. पहले किया नोटबंदी, बोले 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे यार, नहीं चलेंगे यार। लेकिन क्या उससे घोटाला कम हुआ यार? मोदी सरकार नहीं, ये स्नेक सरकार है यार। देश में किया पॉर्न बैन यार, क्या यही पॉर्न देखने वाले हैं जो करते हैं रेप यार? ये मोदी सरकार नहीं, ये स्नेक सरकार है यार। मित्रों क्या ये पबजी है? सर हट, सरकार चलाना आता नहीं है यार, करते हैं हर चीज को बैन यार। पहले किया नोटबंदी, पहले किया नोटबंदी, लेकिन विजय माल्या को नहीं ला पाए यार। पॉन किया बैन, क्या देश में रेप हुआ कम यार? पबजी बैन करने चले हैं यार, ये फ्रंटलाइन सरकार नहीं, ये स्नेक सरकार है यार। गेम नहीं है यार, एक इमोशन भी है जो। पबजी एक गेम नहीं है यार, एक इमोशन है जो दोस्तों से मिलाया, दोस्तों को चुराया। AKM M4 लेके निकल पड़ा हूँ यार, पट से हेडशॉट देने, गाचो गाचो करने यार। डीपी में 6x लगा के मॉडल जैसा बनने यार। अगर पोचिंग की ना होता, अगर जॉर्जो पुल और नोवो ना होता, तो आज हम सब यहाँ मिलते नहीं यार। हेलो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, और थैंक यू सबको जो जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखा है। होप करते हैं कि आपको जो मेरा टूटा फूटा आवाज में जो टूटा फूटा एक गाना था आपको पसंद आया होगा, उसका मीनिंग जो मैं बोलना चाहता था, और मैंने जो न्यूज़ और ये सबसे लेके बातें किया है। होप करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा गाइज। अगर आपको अच्छा लगा गाइज, और अगर आप नए हैं तो गाइज सब्सक्राइब वाला बटन ठोक देना, और ये जो है गाइज इसका जो MP3 वाला वर्जन है, ये सॉन्ग है थोड़ा रिफाइन करके, जल्दी आ जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और गाइज ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, ये वीडियो आप किसी अपने दोस्त लोग को शेयर कर सकते हैं, अपने जो लोग हैं जो बोलते हैं कि पबजी बैन हो चुका है, या फिर कोई अफवाह फैला रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट बैन कर रही है, या फिर ये बैन करने से क्या ये सरकार ऐसे ही चलता रहेगा। तो गाइज ये क्वेश्चन ऑन द स्नेक सरकार भी है गाइज, तो ये वीडियो जितना हो सके आप फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो जो आपने देखा, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए बहुत थैंक यू। ये मेरा पहला वीडियो है साह विद बोरा, और अगले वीडियो में और अलग कॉन्टेंट और मज़ेदार बातें करेंगे आप लोगों के साथ। और आपको अगर जो है वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लव यू ऑल गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।